देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। आप तो हाथ जोड़ा पल्ला झाड़ रहे हैं, कम से कम ये मैंने तो कह दिया ना, पिता से क्या ही मैंने। अगर आप अधिकारी बने तो यहाँ से बुलाया, उन्हें बिठाया, आपको संज्ञान में मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो अरे अधिकारी सेम से रायपुर ब्लॉक के बीडीसी मेंबर ने अपने ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद ब्लॉक अधिकारी द्वारा उनको आज सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बहुमत साबित करने के लिए बुलाया गया, जिसके लिए बाकायदा सभी बीडीसी सदस्य ब्लॉक में सदन में पहुंचे। वहां जाकर सदस्यों को पता चला कि प्रमुख ने कल रात ही अपना इस्तीफा दे दिया है और आज सदन में चर्चा ही नहीं हो पाई, जबकि पीठासीन अधिकारी बीमारी का बहाना बनाकर सदन से निकल गए, जिसके बाद बीडीसी के मेंबरों का पारा चढ़ गया और उन्होंने ब्लॉक में ही बवाल काटना शुरू कर दिया। सभी सदस्यों का आरोप है कि संविधान के तहत अगर किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उस प्रस्ताव पर चर्चा किए बिना उनका इस्तीफा नहीं लिया जा सकता। ऐसे में उनके एक दिन पहले इस्तीफा लेने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यही नहीं, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जिनको पीठासीन अधिकारी बनाया गया था वो भी बिना वोटिंग कराए बहाना बनाकर चले गए। सदस्यों की मांग है कि सदन में इस प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाए, क्योंकि पहले इस्तीफा लेने से अब ब्लॉक प्रमुख के पास इसको वापस लेने का 10 दिन का समय मिलता है। ऐसे में सदस्यों को पैसे से अन्य सदस्यों को खरीदने का भी डर है और वो अब इस पर जांच की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम अतुल कुंडी, क्षेत्र पंचायत सिंधवाल गांव से हूँ। क्या ऐसा था, हम लोगों का मेजोरिटी मैडम जो हमारे यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख है, तो पिछले 2 साल से उनकी मनमानी चल रही थी, तो जिसमें जिसके विरुद्ध हमने आज अविश्वास पत्र हमने 15 तारीख को दिया था सीडीओ बैठक को, रीति नीति से संविधान की धारा उपधारा 63 के अधीन हमने मैडम को सीडीओ मैडम को दिया था इस्तीफा, वो अविश्वास पत्र। तो मैडम ने फिर इसी में अग्रिम कार्रवाई करते हुए हमें 8 तारीख को सदन में अविश्वास साबित करने के लिए आज की समय और स्थान घोषित किया था कि सभागार रायपुर में 8 बजे हम 11 बजे बैठक आहूत करेंगे, जबकि उसमें पीटा सिंह अधिकारी विक्रम सिंह नेगी जी उसमें पीटा सिंह अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जो कि यहाँ तक आते आते तक तो बिल्कुल स्वस्थ थे और दो बार सभागार में आए, उपस्थित भी हुए और उसके बाद पीछे से आके, और उन्होंने अपनी जो गाड़ियों में निदेश परियोजना निदेशक का बोर्ड लगा हुआ था वो उल्टा करके उत्तराखंड सरकार सिंपल लगा के और चुपचाप जैसे चोरों की तरह यहाँ से चले गए। हमने जब अपने BDO साहब से पूछा कि भाई इसमें क्या, हम लोगों का 11 बजे का टाइम दे रखा था जबकि संविधान के हिसाब से अगर आधे घंटे के अंदर नहीं होती बैठक तो फिर बैठक स्थगित हो जाएगी, तो इसमें आपकी तरफ से भाई आ ही नहीं रहे, हम लोग तो बैठे हुए हैं सदन में। तो इन लोगों का हमें बोलना कि जी हमारे पास मैडम का इस्तीफा आ गया है, तो पहले तो हम लोग शासन प्रशासन से इस चीज की जांच की मांग करते हैं कि जब किसी व्यक्ति पर अविश्वास पत्र लग चुका है तो उसका इस्तीफा स्वीकार करने के लिए इन्हें बाध्य किसने किया, क्योंकि इस्तीफा वापसी लेने में 10 दिन का समय होता है, 10 दिन के अंदर वापस ले सकते हैं, तो या तो उन्हें उस टाइम पीरियड से पहले करना था, और जब ये लास्ट दिन आज आ गया तो इन्होंने कल रात आनंद फानंद में कैसे इस्तीफा इनका ले लिया। तो हम जब सदन में आ रखे अपना बहुमत साबित करने के लिए, भाई इस्तीफा उन्होंने दे दिया वो अपना उनका विषय है, पर जो हमारा अविश्वास पर जो बैठक होनी थी वो बैठक 11 बजे जब आहूत कर रखी थी, पीटा सिंह अधिकारी पहुंच चुके थे मौके पे, तो ऐसा क्या हो गया जो पीटा सिंह अधिकारी अपना मुंह छुपाते हुए पीछे के निकल गए, जब यहाँ पर हमें, जबकि उसमें संविधान में ये भी है प्रावधान कि उन्हें पहले तुरंत सूचना करनी है BDCO को भी, ब्लॉक में BDO को भी और CDO मैडम को भी, हर जगह उन्होंने सूचना करनी है, तो बिना सूचना करे वो चुपचाप यहाँ से चले गए, पीछे से फोन कर रहे हैं, फोन पे हमारे BDO सर को बताया जा रहा है कि मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। वाकई गड़बड़ा गया था स्वास्थ्य? हाँ जी वाकई गड़बड़ा गया था स्वास्थ्य? नहीं नहीं वाकई बिल्कुल हष्ट पुष्ट खड़े होके यहाँ पर तक आए, अंदर बैठे हुए थे आप, हम तो मांग कर रहे हैं यह धरना तब तक रहेगा जब तक हम लोगों के यहाँ पर वोटिंग नहीं हो जाती। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे पास, मैं आपको ये इस बात से
न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है, खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।